सबसे पहले आपने मोनो की याद करें एड फायर, एड फायर, ई से एक्सटेंशन, ई से इंगेजमेंट, डी से डिसेंट, एफ से फ्लेक्शन, आई से इंटरनल रोटेशन, ई से एक्सटेंशन, फिर आर से रेस्टिट्यूशन और दोबारा ई से एक्सटेंशन। सबसे पहले होगी इंगेजमेंट। इंगेजमेंट होती है जब ये पेल्विक ब्रिम के आगे निकल जाता है, यानी जीरो स्टेशन या उससे आगे इंगेजमेंट हो गई। उसके बाद सेम ही ट्रांसवर्स में डिसेंट, फिर उसके बाद क्या है, फ्लेक्शन होगी ऐसे, ठीक हो गया। अभी आ गया ऑक्सीपुट, आ गया फ्लेक्शन हो गया, फिर उसके बाद होगी इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन पे जो है ना वो ऑक्सीपुट आ जाएगा फ्रंट, ठीक हो गया। इंटरनल रोटेशन हो गई, उसके बाद आएगी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पे ही हमारी क्राउनिंग भी हो जाती है, ठीक है। जब क्राउनिंग होगी यानी कि एक्सटेंशन का फेज आ गया, एक्सटेंशन होगी। अब रेस्टिट्यूशन होता है 1/8 मूवमेंट, ठीक है। वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इसमें भी आप कर सकते, ठीक है, ठीक है। यानी सिर्फ 1/8 कर दिया, रेस्टिट्यूशन हो गई। और फिर एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब है कि इसने पूरा रोटेट कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये रोटेट कर गया, अब आपने दोबारा वो जे शेप मूवमेंट करानी है बच्चे की, यानी कि ऐसे ज्यादा बाहर आ गया, यानी कि पहले ऐसे ताकि उसका एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो, अब उसके बाद ऐसे यानी उसका पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर हो और फिर बाहर निकाल। हाँ, रेस्टिट्यूशन के बाद एक्सटर्नल रोटेशन से शोल्डर एपी डायमीटर में आते हैं ना। आलिया देखना।